नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन गुरु पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए UPG के स्पेशल, जिसमें कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई प्रकार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल यानी मगहर, या बुद्ध निर्वाण स्थल कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, या 88,000 ऋषियों की तपस्या संक्रिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो इसमें जो है 88,000 ऋषियों की तपस्वी स्थल यानी संक्रिया, ये आंसर गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अलहा यानी बुंदेलखंड, बराहा पूर्वांचल, या चेती रोहिलखंड, या कजरी अवध। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेती रोहिलखंड। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा, या मुरिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का निम्न में से मोरिया जो है लोक नृत्य नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ब्राह, ढोला मारू, या कजरी, या रसिया। तो उत्तर प्रदेश के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के संबंध में ढोला मारू जो है यह इसका उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश यानी में कहाँ स्थित है? देवगढ़ में, या वृंदावन में, या बिठूर में, या देवा शरीफ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवागढ़ में स्थित है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थल को तीर्थराज कहा जाता है? काशी, विंध्याचल, या प्रयाग, या मथुरा को। तो धार्मिक स्थल को तीर्थराज के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? तो ये इसका आंसर हमें देना है, तो इसका यानी प्रयाग, जिस जहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। इसका वर्तमान में नाम प्रयागराज और पहले इसका नाम था इलाहाबाद। बात करते हैं, सुमेलित करना है, धार्मिक स्थल एक साइड दे रखे हैं, जिला एक साइड दे रखे हैं, तो हमें सुमेलित करने हैं यानी देवबंद, सोरो, देवीपाटन, या नैमिषारण्य, एटा, सीतापुर, या सहारनपुर, गोंडा। तो हमको ये मैच कराना है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सोरो कहाँ पे है? एटा में, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसी प्रकार सबको हमें मैच करना है। ठीक है, मैच करना है, और देवबंद कहाँ है? सहारनपुर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देवीपाटन कहाँ है? गोंडा में, और नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर में। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसी क्रम में सरकी शासकों के संरक्षण में अटाला मस्जिद का निर्माण किस स्थान पर कराया गया था? आगरा, अलीगढ़, जौनपुर, या मेरठ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहाँ पे कराया गया था? तो ये जो है आपका जौनपुर में कराया गया था। ठीक है, आगे मथुरा कला शैली का चरमोत्कर्ष किस काल में था? कुषाण काल में, मौर्य काल में, या गुप्त काल में, या मुगल काल में। इसका राइट आंसर हमें देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुषाण काल में चरमोत्कर्ष पे था। ठीक है, आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल लगभग कितने मेलों का प्रतिवर्ष आयोजन होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 700, 1120, या 1810, या 2250। इसमें से हमें एक राइट आंसर देना है, वह आंसर कौन सा है तो आपको चूज करना है, कमेंट बॉक्स में भी आप हमारे साथ बता दीजिए हमें। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2250 मेले प्रतिवर्ष लगभग लगते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। धूरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, या रुहेलखंड का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, धूरिया कहाँ का है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रुहेलखंड। इसी क्रम में आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंदादीन ने, या उस्ताद दूल्हे खां ने, या मेहंदी ने, या इतिहास खां ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी मेहंदी ने, यानी ये दलेर मेहंदी है पूरे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इनका संबंध पंजाब से है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव
उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या आगरा में? तो इसका संबंध है आगरा से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है और काफ़ी बार यह क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। अभी जो यूपी पुलिस के एग्जाम हुए थे उनमें भी यह पूछा गया था। तो इसको हम रट लेंगे, यानी रट्टा मारना ही है। नेक्स्ट, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, तो किसके द्वारा की गई थी सत्यम शिवम सुंदरम की रचना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, शिवनंदन नौटियाल के द्वारा यह की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो यह हमें पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पे होता है? तो वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या गोकुल में? तो लोग जो है मथुरा लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी, यानी बरसाना। आगे बात करते हैं, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? वाराणसी में, आगरा में, या इलाहाबाद में, या वृंदावन में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी हरिदास जयंती कहाँ पर मनाई जाती है? तो स्वामी हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। ठीक है, वृंदावन में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में किस वर्ष की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पूछा भी गया था इस बार यूपी पुलिस 2023 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1962, 1962 हो जाएगा। नेक्स्ट, नग कटेपा मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में, या अयोध्या में, या सीतापुर में, या इलाहाबाद में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह जो है वाराणसी में लगाया जाता है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1957 में, या 1951 में, या 1950 में, या 1920 में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सीरीज अच्छी है, क्वेश्चन भी अच्छे हैं, और क्वेश्चन यहाँ से फंसते ही हैं, जो कि यूपी जीके की स्पेशल 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये हमें नहीं पता तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाते, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो ये है जो है लखनऊ, वाराणसी, मथुरा या सारनाथ? तो ये जो है मथुरा में स्थित है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, या गोरखपुर में, या झांसी में, या लखनऊ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, तो बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमें इनका संबंध कहाँ से था तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, यानी इनका ये जो है लखनऊ में स्थित है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? मोहरे, या मृदापात्र सिक्के, या पुरातत्व, या हस्तशिल्प एवं कला, या चित्रकारी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो उपस्थित हैं वो मोहरे, मृदापात्र और सिक्के। और राहुल सांकृत्य ने एकमात्र यानी घुमुने के ऊपर यानी लिखी थी इन्होंने घुमक्कड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखना है हिंदी में। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1997 में, या 57 में, या 1949 में, या 1962 में, या 1951 में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी वो हमें देखना है, यानी कब की गई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश में 1920 में जो भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? इस ऑप्शन है इसके, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद या मिर्जापुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी वाराणसी। ठीक है, इसी क्रम में आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं मौर्य काल के, या गुप्त काल के, या कुषाण काल के, या मुगल काल के? तो किस किस काल के मिलते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मौर्य काल के अधिकतर स्थापत्य कला मिलती है। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी हुई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी है? इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लखनऊ संग्रहालय, या गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय, या छत्रसाल संग्रहालय, या रानी महल? तो
संग्रहालय, तो इसका संबंध हो जाएगा लखनऊ संग्रहालय। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, मथुरा में, लखनऊ में, या इलाहाबाद में, या वाराणसी में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो है कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि इस प्रकार, लखनऊ में कला एवं हस्तशिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1911 में, या 1920 में, या 1962 में, या 1950 में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी 1911 में की गई थी, तो इसलिए ऑप्शन ए आई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया था, ललित मोहन ने, या शिवनंदन नोटियाल ने, या विश्वनाथ मेहता ने, या असित कुमार हल्दार ने? तो ऑप्शन इसके आपको कमेंट में भी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी असित कुमार हल्दार के द्वारा उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ शैली का विकास किया गया था। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है धमार, बिरहा, टप्पा, या कव्वाली? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा गीत है जो प्रमुख लोकगीत है, इनमें से हमें राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी यानी बिरहा। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था अकबर ने, हुमायूं ने, या जहांगीर ने, या शाहजहां ने? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हुमायूं ने, हुमायूं ने। आगे बात करते हैं, वो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी मिर्जापुर शैली, मथुरा शैली, या बुंदेल शैली, या मुगल शैली? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी मुगल शैली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन चित्रों में प्रातः के दृश्यों को प्रदर्शित किया गया है सोने के स्तर से, या चांदी के स्तर से, या तांबे के स्तर से, या लोहे के स्तर से? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सोने के स्तर से दृश्य को प्रदर्शित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सितार का आविष्कार किसने किया, सुल्तान हुसैन सरकी ने, या बिंदादीन महाराज ने, या अमीर खुसरो ने, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सी यानी क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37, सॉरी सी, यानी अमीर खुसरो के द्वारा यह किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे होंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी है और इसमें कई क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है, और जो कि इस परीक्षा में जो पूछे गए थे प्रश्न, वो अक्सर इसमें दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। दोस्तों हाँ, एक बात और, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।